हनुमान बेनीवाल जी एक अलग तरह की राजनीति, एक अलग तरह की क्रांति लेके आए हैं। वो नेता तो नहीं हूं, कोई भाषण दूंगा, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, जाट को समझना पड़ेगा कि वो जाट है। जाट का मतलब होता है चौधरी, और चौधरी आपको पता ना कौन होते हैं, जो गरीब का, कमजोर वर्ग का हमेशा साथ देते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, वो चौधरी होते हैं। वो चौधरी नहीं होते जो फेसबुक पे लिखते हैं जाटा का छोरा ने मेडल लिया है, भाई जाटा की छोरी मेडल ले आई, जाटा छोरा शहीद हो गया ना। मैं नहीं मानता, आप उसकी उपलब्धि को बहुत छोटा कर रहे हैं। वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा या बेटी है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर आप सच में जाट हैं, चौधरी हैं, तो कमजोर वर्ग को, सभी जातियों को अपने साथ लेके चलिए, तब आप चौधरी हैं। इसी बीच आपका बहुत प्यारा सॉन्ग जिंदाबाद जवानी जिंदाबाद किसानी आप लोगों के बीच परफॉर्म करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं पीछे वालों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए ये आगे वाले बैठ जाएं प्लीज, विनती है हाथ जोड़ के। और सभी नेतागण यहां पे आए हैं, उनका भी धन्यवाद है जितने मंच पे आसीन हैं। अभय सिंह चौटाला जी, दिल से रिस्पेक्ट है उनकी। हनुमान बेनीवाल जी एक अलग तरह की राजनीति, एक अलग तरह की क्रांति लेके आए हैं वो, और ऐसे नेताओं को आगे आना पड़ेगा। एक बार आगे वाले भाई प्लीज, पीछे वालों को कोई असुविधा ना हो प्लीज। मैं शेरे राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल के स्वागत के लिए संजय भाई खेरवा, राधे भाई, माननीय मंत्री जी, पप्पू भाई, राधे भाई और हमारे सभी समाज के वरिष्ठजनों से निवेदन है कि हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत करें। शंकर भाई घुड़िया, आपसे भी निवेदन है कि हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत करें। अब मैं सभी से हेलो, मेरा सभी से निवेदन है, कार्यक्रम की व्यवस्था आप समाज की है। अब कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच पूरे भारत ही नहीं है तो पूरे विश्व में लोकप्रिय सिंगर जिंदाबाद जवानी जिंदाबाद किसानी, जिनका गाना पूरे भारत के साथ पूरे विश्व में सुना जाता है, भाई भाई अजय हुड्डा जी से निवेदन है कि वो एक प्रस्तुति सभी सम्मानजनों के बीच दें, सभी समाजजनों के बीच दें। भाई भाई अजय हुड्डा जी, जोरदार ताली बजाकर अजय जी हुड्डा का स्वागत कीजिए। सामने से थोड़ा बैठ जाइए ताकि पीछे वाले लोगों को दिखाई दे। मंच पे जो लोग खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है नीचे उतर जाइए, जो भी लोग खड़े हैं मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है नीचे उतर जाइए। आगे जो वीआईपी बैठक व्यवस्था उसमें बैठ जाइए, बहुत ज्यादा अव्यवस्था हो रही है। सामने जो भी बैरिकेड पे लोग खड़े हैं पीछे वाले लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, जो बैरिकेड पे लोग खड़े हैं आपसे हाथ जोड़